तो ऐसे लोगों से सख्त बचने की जरूरत है, दूरी बनाने की जरूरत है, अपनी जिंदगी से टाटा बाय बाय करने की जरूरत है। दोस्तों हमारी जिंदगी में ना दो तरह के लोग आते हैं, एक तो वो जो हमें मोटिवेट करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और दूसरे वो जो कि हमें दे जाते हैं जिंदगी का सबक। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, और जो 10 तरह के लोग मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपसे कहीं ना कहीं तो टकराए होंगे, और आप भी ना ऐसे लोगों से परेशान तो जरूर से होंगे, क्योंकि ये करते ही ऐसी हरकतें हैं कि हम ना इनसे परेशान हो जाते हैं। मतलब हमें कुछ सीखने को तो मिलता नहीं, बाकी हमारा दिमाग भी खाली हो जाता है इनको हैंडल। नंबर 1 है दोस्तों जो कि आपकी बटरिंग करते हैं, जो कि चापलूसी तरीके के होते हैं। ये ना बटरिंग कर कर चापलूसी कर कर अपना काम तो हर जगह निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो कि सीधे साधे होते हैं, अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं। यानी कि जो वो है वही बोलिए, एक्स्ट्रा अगर आप बोलेंगे ना तो थोड़ा सा उनको समझ में सब कुछ आता है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ये सीधे साधे लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि जिंदगी में थोड़ा सा चालाक बनना बहुत जरूरी है। ये जो बटरिंग करने वाले लोग हैं ना, ये आपके सामने तो बटरिंग करेंगे, आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, और जैसे ही आपकी पीठ फिरेगी ना वैसे ही आपके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। तो आपने ऑफिस में भी देखा होगा, जॉब करते होंगे तो वहां पे भी आपने अपने साथियों को देखा होगा कि किस तरीके से कुछ लोग इसका फायदा उठाकर, यानी कि बॉस की तारीफें करके और बैटरिंग करके आगे प्रमोशन पा लेते हैं, बहुत सारी लाइफ में चीजें कर लेते हैं तारीफ में कर कर। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम तारीफ से ही ना जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों तारीफ से आप कब तक लुभाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे भले ही कोई अच्छा ड्रेस नहीं पहना या सूट नहीं पहना, मुझसे कोई कह रहा है कि भाई आपकी ना सूट बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत ये हो वो, मुझे पता है कि वो नहीं अच्छा, वो सिंपल सा है, तो शायद उनकी वो आदत है, शायद उनको कोई हमसे काम निकलवाना होगा। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा हमको स्मार्ट और चालाक बनने की जरूरत है कि लोग अगर हमारी तारीफ कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। कभी कभी ना बहुत ज्यादा हमें मतलब इरिटेट हो जाते हैं ये सब चीजें देखकर, और आप देखते ही होंगे नॉर्मल लाइफ में, तो इनसे थोड़ा हमको बचने की जरूरत है। मतलब थोड़ा सा ना चालाक हो जाइए, समझिए चीज को कि अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है, बार बार तारीफ कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। दूसरा है दोस्तों जो कि हमेशा आपको गलत ठहराते हैं, यानी कि उनको ना आपके अंदर कुछ भी अच्छाई नजर नहीं आती, उनको लगता है कि सारी गलती आपकी ही है, मैं सही हूं और आप गलत हो। मतलब कभी भी ना उन्होंने आपको मोटिवेट नहीं किया होता, हमेशा आपको डीमोटिवेट करके रख देते हैं। गलती से भी आप उनके सामने खड़े होगे ना तो वो आपके बारे में दो अच्छे शब्द तो बोलना दूर की बात है, आपकी बस आपकी बुराई 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 करते रहेंगे, जबकि हमको पता होता है कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत है, लेकिन उनको सिर्फ नेगेटिव बोलना होता है, उनको सिर्फ आपके बारे में उल्टा ही बोलना होता है। और इससे क्या होता है ना, जब हमारे बारे में कोई इतना ज्यादा नेगेटिव बोलेगा तो हम क्या होंगे, थोड़ा तो कहीं ना 10 बातों में से एक बात तो कहीं हमको हर्ट करेगी ना। तो ऐसे लोगों से भी डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, उनको भी भैया दूर से ये हाय हेलो कीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया है कि मुझे कैसे लोगों के साथ में किस तरीके से बिहेव करना है। देखिए जो चापलूसी करते हैं ना, वहां पता है कि आप जो आपके लिए शब्द बोल रहे हैं ना वो आप नहीं हो, वैसे आप नहीं हो, आपको पता है अपने बारे में, वो कर रहे हैं तो इट मीन्स कुछ ना कुछ काम होगा, कोई पता चल जाती है कि कौन बटरिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और जहां पे वाकई हम काबिले तारीफ होते हैं या हमें लगता है कि नहीं उसको हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको ऐसे तरीके से बोलना चाहिए, तो उसको हम बटरिंग नहीं कहते, उसको सच्ची में तारीफ कहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो कि बिल्कुल निगेटिव रहते हैं, हर वक्त उनको हर चीज में निगेटिविटी नजर आती है, खुद तो निगेटिव होते हैं, उनके साथ जो सामने खड़ा होता है ना उसको भी वो निगेटिव कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा है दोस्तों जो बार बार चीज मांगते हैं, यानी कि उनके उनके पास लगता है कुछ वो खरीदते ही नहीं है या कुछ वो लाते ही नहीं है, या फिर उनके घर में होता है तो वो यूज नहीं करते, छोटी से छोटी चीज वो अपने पड़ोसी से मांगने में बिलीव करते हैं। घर में कुछ भी हो
यानी कि मतलब नमक तेल से छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो भी उनको मांगने में कुछ भी उनको नहीं लगता कि मुझे मांगनी चाहिए नहीं मांगनी। चलिए इमरजेंसी में तो हम कुछ भी मांग लेते हैं कि भाई दुकान बंद है या फिर दूर मार्केट है नहीं जा पा रहे हैं, आप घर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है तो कभी कभी तो चलता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है ना, मैं तो खुद देखी हूँ, कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है ना कि वो मांगने में ना बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, बिल्कुल कटोरी लेके खड़े हो जाते हैं कि जी दे दीजिए, जी अपना मिक्सी दे दीजिए, जी अपना वो कुछ सामान दे दीजिए, ये मुझे बना। हालांकि कोई सामान 10 रुपए का ही आता हो, लेकिन क्या है ना, उनको आदत पड़ चुकी है मांग कर काम चलाने की। मतलब उनके हैबिट में आ गया है कि मेरे को मांग के ही काम चलाना है तो मैं खरीदू क्यों। ये आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों की आदत होती है कि सोचते हैं जो सस्ता सामान है उनके लिए भी वो वही सोचते हैं और जो महंगा सामान है उनके लिए भी वो वही सोचते हैं। सस्ते सामान के लिए उनकी सोच होती है, सोच ये होती है कि चलो 10-20 रुपए का सामान है क्या खरीद के लाऊं, इससे तो काम चल ही रहा है। और महंगे सामान के लिए ये सोच होती है कि अरे ये तो महंगा सामान है और साल में हम 1-2 बारी तो इस चीज को मुझे यूज करना होता है और पड़ोसियों के घर में तो है ही तो ले आते हैं। और वो मांगते इतने हक से हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि वो आपका सामान नहीं, वो अपना सामान मांग रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है उनकी बातों से और उनके मांगने के तरीके से। तो भाई ऐसे लोगों से भी दूरी बनाने की जरूरत है। पता नहीं किस समय पे आपसे क्या मांग ले वो, है ना। तो इससे अच्छा है कि भैया दूर ही रहो। देखिए 1-2 बार मांगा कोई बात नहीं, लेकिन पता तो चल जाता है ना, अगर कोई बार बार ही चीजें मांगता है हमसे और बड़े हक से मांगता है, चाहे हमारे रिश्ते अच्छे ना हो, चाहे वो 100 बुराइयां करता हो, वो लेकिन वो सामान मांगने के लिए उसका अपनापन है। तो समझ जाइए, ऐसे लोगों से समय रहते दूरी बना लीजिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों चुगली करने वाले लोग, जो यहाँ की वहां करते हैं ना, उनसे तो तौबा कर लीजिए, उनसे तो बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि उनका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी कभी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है कि चलो थोड़ी सी अपने दिल की बातें कह लें, थोड़ा सुकून आ जाएगा, थोड़ा सा अपना मन हल्का कर लें, अच्छा लगेगा, और हमने वहां बातें बोल दी, हमने तो उनको अपना दोस्त समझ के बोला, और हुआ क्या, उन्होंने हमारी बातों को नमक मिर्च लगा के, मसाले लगा के दूसरे व्यक्ति से बोल दिया और वहां पे हमको गलत साबित कर दिया। हमने तो एक कंधा मांगा था थोड़ा सा सुकून पाने के लिए, और उन्होंने तो हमारे चेहरे पे ही नमक छिड़क दिया हमको दर्द में रहने के लिए। तो दोस्तों ऐसा है कि ऐसे लोगों से समझ जाइए कि हाँ ये ऐसे लोग हैं। समझ में देखिए सबको आ जाता है, लेकिन हमारी ये फितरत है कि जब तक हमको चोट नहीं लगती, जब तक हम रोते नहीं है ना, जब तक हमें धोखा नहीं मिलता, हम पीछे नहीं हटते। हमें लगता है कि नहीं, इंसानियत के नाते हम उसके साथ रहें, इंसानियत के नाते चलिए ठीक है वो जैसा भी है अपने लिए है, हम यहाँ तक सोचते हैं। लेकिन वो हमें ना इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं ना अपनी बातों से, वो इतना ज्यादा हमको टॉर्चर कर देते हैं ना कि उससे पहले कि हमें और ज्यादा दुख दें और ज्यादा टॉर्चर करें, उनसे दूरी बना लीजिए। और भैया दूर से ही उन्हें नमस्कार कीजिए और अपने मन की बातें, दिल की बातें बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए ऐसे लोगों से जो आपकी सुनते हैं और वहां बताते हैं, वहां सुनते हैं और आपको बताते हैं। जब आपको वो 10 लोगों की बातें आके बता रहे हैं, तो क्या आपकी बातों को और लोगों के पास नहीं बताएंगे? जैसे कि आप उनको अपना फ्रेंड समझ रहे हो, वो भी तो आगे वालों को अपना फ्रेंड समझते ही होंगे ना। तो जिनको चुगली करने की बीमारी है ना, ये भी मैं तो बीमारी ही कहूंगी, वो लोग ना बिल्कुल भी बाज नहीं आते, उनके पेट में दर्द होता है, बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बस निकाल दूं मुंह से, जहां पे भी मुझे निकालना है। तो वो नमक मिर्च लगा के और चीजों को बोलते हैं, जहां पर आपके रिश्ते, जहां पे अच्छे रिश्ते हैं वहां से खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपने किसी के लिए तो कुछ ना कुछ बोला होगा या अपने ही कुछ दुखड़ा उनके सामने बोला होगा, तो आपको मदद करने के बजाय आपको ऐसी प्रॉब्लम में डाल देंगे ना कि आपको समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, बहुत खुश रहेंगे आप। 10 बुरे फ्रेंड्स अच्छा है कि अकेले खुद को फ्रेंड बना लो ना, बहुत अच्छा है जिंदगी में। अगर सच्ची में आप चाहते हो कि आपका जो पास्ट है वो किसी के सामने ना आए, आपका जो राज है वो राज ही रह जाए, तो अपनी बातों को अपने तक सीमित ही रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझते। ऐसे लोग होते हैं जो जिनको सिर्फ मैं नजर आता है, हम नजर ही नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि मैं सही हूं, मैं हर जगह सही होती हूँ,
आप गलत हो, भाई आपकी गलती है, मुझे तो आप ही गलत नजर आ रहे हो। 10 लोगों के सामने आपको वो गलत ठहरा देंगे, और जब आप उनसे अकेले में बात करोगे तो आपको वो सही बोलेंगे। यानी कि वो बिल्कुल भी विश्वास के लायक कतई नहीं होते हैं कि जो आप जहां पे आपको उनके साथ की जरूरत होती है वहां पे वो आपको गलत ठहरा देते हैं, और जब आप उनसे अकेले में बात करते हो तो वो आप की तारीफों के पुल बांधते हैं। ऐसे लोगों का विश्वास कभी नहीं किया जा सकता जो कि सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि मैं सही हूँ, आप गलत हो, मैं हूँ, मतलब मैं होते हैं ना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैं भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो वैसे करता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मतलब उनको बस मैं हर वक्त मैं। आप कहाँ हो और दूसरे लोग कहाँ है उनको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने पे विश्वास करते हैं, अपनी बातों पे विश्वास करते हैं, दूसरे को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन चाहते ये हैं कि उनकी बात आप लोग खड़े होकर सुने और तारीफें करें और माने। मतलब उनको ना बड़ा ही सुकून मिलता है जब आप उनकी तारीफ सुनते हो और हाँ हाँ बोलते हो। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं होते, उनसे दूरी बना लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि भैया वो तू मैं वाले हैं, हम वाले नहीं हैं, वो अपने आप को ही आगे रखेंगे, अगर उनसे कोई गलती भी हो रही है तो भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। देखिए बड़ी बात क्या होती है, गलती को मानना और उसको सुधारना। गलतियां दोस्तों सभी से हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानता ही नहीं है, सुधारने की तो दूर बात है, वो मानने को भी राजी नहीं है कि मैंने किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से समय रहते दूर हो जाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सच्ची में लाइफ हम अच्छी तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं ना, तो ऐसे लोगों को हमें समझ में आ गई है तो दूर कर देना चाहिए, बड़े प्यार से रिस्पेक्ट के साथ में। नेक्स्ट है दोस्तों, जो हर समय आपसे जेलिस की भावना रखते हैं, जो हर समय आपसे नफरत करते हैं, और पता तो चल ही जाता है बातों से कि कौन हमसे प्यार करता है, कौन हमको पसंद करता है, कौन चाहता है कि हम खुश रहे। कुछ लोगों की हैबिट होती है ना, अच्छा आपने ये ले लिया, अच्छा ये तो हमारे पास पहले से ही है, अच्छा ये लेके आई ठीक है, लेकिन हमारा सामान ज्यादा अच्छा है, अगर ये अच्छा ये हाँ ये तो 400-500 का होगा, मैं तो ना 20,000 का लेके। मतलब उनको ना आपसे कंपटीशन है अलग लेवल का। कुछ मतलब आप कुछ भी अपने घर के बारे में बोलते हो या कुछ भी अपनी चीजों के लिए बोलते हो तो उनको बस ये लगता है कि बस मेरे को ऊपर रखना चाहिए, यानी कि मेरा लेवल आपसे बहुत ऊपर है, आपका डाउन है। देखिए जिंदगी दोस्तों उसी से चलती है, जो आपके घर में सैलरी आती है, जो आपके हस्बैंड कमाते हैं उसी से घर चलता है। दूसरे कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी कोठियां हैं, कितने बैंगलो हैं उनके पास, कितने फ्लैट्स हैं, कितना महंगा कपड़ा पहनते हैं, उनसे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, देखिए वो तो अपने लेवल पे जहां है वहां ठीक है भाई, हमें किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, जितने भी संसाधन हैं हम उनसे हैप्पी हैं, और खुश भी रहना चाहिए। प्रेजेंट में आपके पास जो भी है उससे हमेशा खुश रहिए, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक सच्चे रास्ते से मेहनत करते जाइए, बिना किसी के बारे में उल्टा सोचे। लेकिन ये जो जेलस रखने वाले लोग होते हैं ना, ये खुद तो अच्छी खासा जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका कोई साथ का आगे बढ़ता है, जाने पहचाने वाला कोई तरक्की करता है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये कैसे हमसे आगे बढ़ गए, इनका तो लेवल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये ऐसे कैसे हो गया, जरूर कुछ इन्होंने ऐसा किया होगा। मतलब उनको ना अपने अंदर ही अच्छाई नजर आती है, सामने वाले के अंदर उनको सिर्फ और सिर्फ खोट नजर आते हैं। वो जहां हैं, जैसे हैं, बस वो यही सोचते हैं कि हम सबसे बढ़िया हैं, और जो भी तरक्की कर रहे हैं ना, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं, उनकी नहीं होनी चाहिए, वो इस लायक नहीं है। मतलब उनको लगता है कि सारे जहां की खुशियां है ना उन्हीं को मिलनी चाहिए, बाकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये लोगों की सोच होती है जो कि जेलिस रखते हैं, जिनके अंदर ना कुट कुट के भरा भरा होता है, जलन भरी होती है, दूसरे को वो खुश नहीं देख सकते, दूसरे को देखिए ना उनको चिड़न सी होती है कि बस मेरे पास ये आइटम होना चाहिए, उसने क्यों लिया। और भैया देखिए हम इंसान है, हमें इंसान के व्यवहार से पता लग जाता है कि कौन हमारे साथ अच्छे से बात कर रहा है, कौन हमारे साथ फेक स्माइल दे रहा है, कौन हमारा दिल से हालचाल पूछ रहा है, और कौन बस हमारे दुख से मजे ले रहा है। इतना तो एक्सपीरियंस जिंदगी का हो गया है कि इतनी समझ तो हमें आ गई है कि पता चल जाता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन हमारा अपना होके भी पराया है, और कौन पराया होकर भी अपना है। तो जिंदगी ना हमको सबक देती रहती है, और जिंदगी में
आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए ऐसे सबक मिलना हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी ना पता चलेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब हमें बुरे लोगों के बारे में पता चलेगा ना, तो अच्छे लोगों के बारे में भी हमको खुद से पता चल जाएगा कि वो अच्छे हैं और ये बुरे हैं। तो दोनों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो आपको केवल काम पड़ने पर याद करते हैं, यानी कि वैसे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वैसे आपकी कोई कदर नहीं करते, वैसे आपसे कोई मतलब नहीं है उनको। चाहे आप अपने घर में 10 दिन बंद रहो, 20 दिन बंद रहो, महीना भर बंद रहो, उनको कोई खोज खबर नहीं है, वो अपनी दुनिया में मगन है। लेकिन जैसे ही उनको जरूरत पड़ती है, कोई किचन का आइटम हो गया या कोई वैसे घर का आइटम हो गया, कुछ भी चीज हो गई, तब उनको आपकी याद आती है कि यार तुम्हारे पास वो होगा क्या, जरा देना। तो मैं तो ना मार्केट जाती हूँ, लेकिन भूल के जाती हूँ, पता नहीं कैसे भूल के जाती हूँ, इतना जाती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब उनको जरूरत होती है तभी आपकी याद आती है, वैसे आपकी याद नहीं आती। तो ऐसे लोगों से भी दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो आपके अपने नहीं है और वो आपको, मतलब वो आपके अपने नहीं है और वो आपके अपने हो भी नहीं सकते। क्योंकि आप जब बीमार होते हो तब भी उनको पता नहीं चलता कि आपकी तबीयत खराब है या क्या नहीं है, लेकिन आप उनको जरूरत होती है किसी चीज की तो आपकी तुरंत से याद आ जाती है और वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करते आपसे कुछ भी मांगने के लिए। उस समय उनको ऐसा लगता है कि आप तो हमारे अपने हो, आप तो हमारे पड़ोसी हो, आप तो मेरी दोस्त हो, आप तो मेरी प्यारी अच्छी फ्रेंड हो, आपसे तो मैं मांगूंगी ही। मतलब फिर वो अपना हक जमाते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई इनका हम इस तरीके से इस्तेमाल बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चालाक बनिए, लोगों को जानिए कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है और कौन आपको परेशान कर रहा है। तो इन चीजों को जानिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, ताकि आप जिंदगी को अच्छे से समझ पाए, है ना। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे लोगों से भी दूरी बना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जिनकी अपनी सोच कुछ नहीं होती। मतलब किसी ने कुछ कह दिया आपके बारे में तो वो मान लेते हैं, हाँ जी आप ऐसे ही हो। किसी ने कह दिया कि भाई ये बात ना उन्होंने ऐसे कही थी, तो वो आपसे पूछना भी जरूरी नहीं समझते हैं, वो मान लेते हैं। और अगर आप उनसे कोई चीज क्लियर करने जाएंगे भी तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, कद्र नहीं करेंगे। उनको सिर्फ ये लगता है कि बस हर जगह मैं ही सही हूं, आप गलत हो। मतलब वो आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की सोच कुछ नहीं होती है। 10 लोगों ने बोल दिया कि आप ऐसे हो तो वो वही मान लेते हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा इस तरीके से हो जाते हैं कि उन पर हम ना किसी भी चीज के लिए विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी खुद की सोच नहीं होती ना। तो हम उनसे कोई राय भी लेंगे या हम फिर कोई दिल की बात भी कहेंगे, जब उनका खुद का कुछ है ही नहीं, कुछ सोच ही नहीं है, तो उनसे किसी भी मैटर पे बात करके, किसी भी मुद्दे पर बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका खुद का दिमाग काम करता ही नहीं है। आपने कुछ पूछा तो और 10 लोगों से जाके पूछेंगे, तो उनका खुद का अस्तित्व नहीं होता है, वो बस आपकी बातों को फैलाने में बिलीव करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूरी बना लीजिए, समय रहते अच्छा है, और अपनी बातों को अपने तक रखिए। तो दोस्तों, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में कि जिनसे ना अगर हम समय रहते दूरी बना लें तो ही ठीक है, क्योंकि इनका ना हमारी लाइफ में ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, होने पर फर्क पड़ेगा, नहीं होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चले जाते हैं, दूरी बना लेते हो, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। तो मैंने ना ये मोटे मोटे ऐसे कुछ लोग बताए हैं जो कि हर किसी की लाइफ में होते हैं। होते तो बहुत तरीके के लोग हैं, लेकिन ये वो है जो कि हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं होते होंगे, फ्रेंड के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, दोस्त के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, कहीं ना कहीं किसी रूप में तो जरूर से होंगे। ऐसे लोगों को समझ जाइए और अपनी बुद्धि से काम लीजिए, थोड़ा सा चालाक बन जाइए, किस तरीके से हमें हैंडल करना है वो जान लीजिए। यानी कि कोई तारीफ करे तो मुस्कुरा दीजिए, बस उससे ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कोई आपसे जलने की भावना रखे तो ज्यादा चीजें शेयर भी मत कीजिए। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आप तो खुद ही समझदार हो। बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश है कि अगर ऐसे लोग आपके पास हैं, आस पड़ोस में हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के इन लोगों के साथ में रिश्ता बना के रखिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से एग्री होंगे, कमेंट जरूर से कीजिएगा, और दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप भी परेशान हैं ऐसे कुछ लोगों से। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।